नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश शर्मा और आज फिर मुखातिब हूं आपके साथ एक नई जानकारी लेकर के। दोस्तों आजकल अभी आज ही मैं अखबार में पढ़ रहा था कि इस समय जो है मच्छरों की जो है ब्रीडिंग बहुत हो रही है और मच्छरों का प्रकोप बढ़ रहा है और मच्छर काटने से कई लोगों को जो है तमाम तरह के मच्छरों को काटने वाले जो रोग जो हैं हो रहे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं इस समय कोरोना काल चल रहा है, वैसे ही जो है सभी लोग जो है मानसिक रूप से त्रस्त हैं। तो यदि ऐसे में अगर मच्छर काटने से किसी को मलेरिया हो जाए या अन्य कोई समस्या हो जाए तो ये एक बहुत ही चिंता का विषय होगा। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, हम मच्छरों को मारने के लिए तमाम तरह के जो है रेपेलेंट का इस्तेमाल करते हैं, तमाम तरह की क्रीम्स लगाते हैं, स्प्रे करते हैं, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ ये जितने भी तरह के हम स्प्रे करते हैं, क्रीम्स लगाते हैं, उसके कहीं ना कहीं हमें कोई ना कोई नुकसान भी होते हैं क्योंकि वो ज़्यादातर केमिकल से बने होते हैं। तो आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं दोस्तों किस तरह से आप अपने घर में बहुत ही सस्ते और कम संसाधनों के साथ, जो प्रकृति प्रदत्त संसाधन उपलब्ध हैं उनके साथ आप एक बहुत ही अच्छा रेपेलेंट घर में तैयार कर सकते हैं। क्या तरीका है उसका, आइए हम आपको बताते हैं। तो ये देखिए, ये जो मैंने इसके ऊपर रखा हुआ है, ये मैंने सरसों का तेल इस कप में लिया है और इस कप में एक सरसों का लगभग जितने हमने यहाँ पर ये सरसों का तेल एक कप इसमें मैंने डाला है और ये गैस के ऊपर रख दिया और गर्म कर रहा हूँ तेल को। और वहीं दूसरी ओर मेरे पास ये नीम के पत्ते हैं तो, और तुलसी के पत्र भी हैं इसमें। तो नीम के पत्ते, अगर आप कोशिश कीजिए कि जो भी नीम के पत्ते तोड़े वो ताज़े हों, फ्रेश हों और उसके ऊपर कोई धूल मिट्टी ना जमी हो। अगर धूल कण हो तो आप उसे धो लें, धोकर सुखाएं, फिर सुखाने के बाद उनका इस्तेमाल करें। तो ये ताज़े पत्ते हों, वो तुलसी पत्र और नीम के पत्ते ये ले लें। तो इस तरह से मैंने एक कप जो है, आप कोई भी तेल ले सकते हैं, इसमें मैंने इसमें सरसों का तेल लिया है एक कप, इसमें डाल दिया है और गर्म करने के लिए रखा है। और ये देखिए मैं फिर से इसे जलाऊंगा। अब इस एक कप तेल को मैंने जला लिया है और जलाने के बाद इसके अंदर ये पत्ते जो हैं, ये तुलसी पत्र है जैसे, ये मैं इसमें डालूंगा। ये देखिए मैं कहूँगा एक बार दिखाएं। और जैसा कि आप जानते हैं तुलसी जो होती है एंटी फंगल, एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक, तमाम तरह की इसके अंदर वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, सब एंटी एंटी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि कीड़ों का नाश करती हैं। और दूसरी ओर नीम की अगर बात करें दोस्तों, तो नीम के अंदर भी वो सभी गुण होते हैं, वो सभी तत्व होते हैं जो किसी भी जीवाणु का, विषाणु का नाश करने में सक्षम होते हैं। और नीम जो है प्रायः पूरे भारत में आपको नीम के पेड़ सड़क किनारे देखने को मिल जाएंगे। यदि फिर भी आपको ना मिले तो मैं कहूँगा कि आप एक पेड़ जो है गमले में अपने घर में ही नीम का लगा लें। नीम वैसे भी बहुत अच्छा होता है, इसके पत्ते चबाएं मौसम के बदलने पर। देखिए इस तरह के पत्ते लें आप जो कूले पत्ते हों। और इस तरह से ये तेल में हमने नीम और तुलसी दोनों पत्ते डाल दिए। मैं आपको बता दूँ, मच्छरों की एक नेचर होती है और वो नेचर ये है कि मच्छर जो होते हैं वो खुशबू वाले जितने पेड़ हैं उनसे बड़ा दूर भागते हैं, उनसे उन्हें एलर्जी होती है, परहेज होता है। तो इसीलिए आप देखेंगे कभी तुलसी के पौधे के ऊपर मच्छर नहीं बैठेगा, ना ही नीम के ऊपर बैठेगा। और एक सिट्रोनिला होता है, जितने भी हमारे ये जो क्रीम्स बनती हैं मच्छर भगाने के लिए, उसमें सिट्रोनिला ही बेसिक प्रोडक्ट होता है। सिट्रोनिला को भी आप स्प्रेयर में डाल के हल्का सा छिड़क ले तो मच्छर आपके इर्द गिर्द नहीं मंडराएंगे। तो जितने खुशबूदार पौधे होते हैं मच्छर उनसे दूर भागते हैं, क्योंकि ये खुशबू हमारे लिए होती है लेकिन उनके लिए ये एक अभिशाप होता है। तो देखिए दोस्तों, मैंने इस तरह से जितने भी पत्ते मैं ले रहा हूँ, मैं सारे इसके अंदर डाल रहा हूँ और ये एक कड़छी के माध्यम से मैं अब इन पत्तों को ऐसे हिलाऊंगा। ये देखिए, इसको आप हिलाएं अच्छे से और आपको बहुत ज़्यादा नहीं, 5 से 8 मिनट तक इन पत्तों को इसमें इस तेल में जलने देना है। हालांकि तेल मैं पहले गर्म कर चुका था, पत्ते बाद में डाले गर्म गर्म तेल में ताकि ये काम प्रोसेस जल्दी हो जाए। तो ये देखिए, हम इसे लगभग 5 मिनट तक इसके अंदर पत्तों को घुमाने का मैं काम करूँगा इस तरह से। तो दोस्तों लगभग हमने 6 से 7 मिनट हमें हो गए हैं, हमने इसको पकाया है। और देखिए मैं दिखाऊंगा कि जब ये पत्ते एकदम
इस तरह से सूखे से हो जाए, यानी इसका जो सत है सारा इसके अंदर आ जाए नीम के तेल के अंदर, तब हमें इसको बंद कर देना चाहिए। अब मैंने इसको गैस को बंद कर दिया, लगभग इसको जो है 7 मिनट हो चुके हैं। तो अब इसको जब पकाने के बाद हमने इस तरह से, ये बड़ी आप छलनी ले लें या छोटी जैसी भी छलनी आपके पास साधन उपलब्ध हो, इसको इस छलनी के माध्यम से ऐसे छान लें। और ये देखिए, ये मैंने छान लिया है। अब ये जो हमारा तेल है सरसों का तेल, इसके अंदर एक तो इसकी बहुत धांस होती है, इसमें बहुत तेज जो है पावरफुल जो है इसका जो एहसास होता है, ये दमकता है एकदम जब ये जलता है तेल। और एक तो इसकी जो धांस है उससे मच्छर जो है बहुत चिढ़ते हैं, दूर भागते हैं। और ऊपर से इसमें मैंने तुलसी और नीम भी डाल दिया, तो अब समझ लीजिए सोने पर सुहागा हो गया। तो ये मैंने इस तरह से, अब ये हमारा प्रोडक्ट तैयार हो गया। ये देखिए नीम, अब इसके अंदर नीम और इसका एकदम कलर चेंज हो गया, पहले बिल्कुल पीला था लेकिन अब इसके अंदर जो है तुलसी और नीम के गुण आ चुके हैं। अब दोस्तों हमें करना क्या है, फाइनली इसको जब हम नीम और तुलसी का हमने तेल बना लिया, इसके बाद आपके घर में अगर मान लीजिए कोई खाली इस तरह से कॉयल पड़ी हुई है ना, इस कॉयल को आप निकाल करके पहले तो इस नीम के तेल को आपको बिल्कुल ठंडा कर लेना है, क्योंकि प्लास्टिक की होती है और गरम गरम तेल इसमें डालेंगे तो ये पिघल जाएगी। तो इसको यहाँ तक आप भर लीजिए और फिर इसको बंद कर दीजिए और फिर आप इसे इसमें लगा करके तेल को, ये जो हमने तैयार किया इसको आप लगाएंगे। तो एक तो आप ये काम कर सकते हैं, और यदि आपको इसमें किसी तरह की दिक्कत या परेशानी आती है तो फिर मैं दूसरा आपको तरीका बताता हूँ। इस तरह से हम ये काम भी कर सकते हैं, मैं कहूँगा माचिस अगर यहाँ पर हो तो। ये देखिए इस तरह से हम इस मिट्टी का कोई दिया ले लें या कोई भी स्टील का दिया हो या जैसा भी हो आपके पास, उसमें डाल के भाती डाल लें और ये तेल की 4 चम्मच इसमें मैंने डाला है। और आप इसको इस तरह से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आप कॉयल में आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी आती है तो ये जला दीजिए। तो जब आप इसे जलाएंगे तो यकीनन जब ये आप शाम के समय या जब भी आपको ज़रूरत महसूस हो इसे जला दें और जलने दें। तो जब ये तेल जलेगा, ये नीम और तुलसी वाला तेल जलेगा दोस्तों, तो इससे निकलने वाली जो ऊर्जा है या इससे निकलने वाला जो भी धुआं है, इसके धुएँ मात्र से जो है मच्छर कोसों दूर दौड़ेंगे और आप जो हैं मच्छरों से स्वतंत्र रहेंगे, रोग मुक्त रहेंगे। तो ये एक नई मैंने आपको विधि बताई जो कि बहुत ही देखिए सस्ती और कारगर है। महज थोड़ी सी मेहनत, थोड़ा सा जो है ज्ञान और एक अच्छी चीज़ हमें मिल जाती है। तो दोस्तों मैं फिर आपसे एक बार गुजारिश करूँगा कि हम आपके लिए बहुत ही मेहनत करते हैं, तमाम संसाधनों को जुटाते हैं और इसमें बहुत ही मेहनत का काम होता है एक वीडियो को बनाना और आप तक उस ज्ञान को, उस जानकारी को पहुंचाना। तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, यही आप लोगों की हमारे प्रति श्रद्धा होगी। और यकीन जानिए जब आप ऐसा करेंगे तो हमें और प्रोत्साहन मिलेगा ताकि हम आप तक और बेहतर से बेहतर जानकारी पहुँचा सकें। मैं राकेश शर्मा, मायालोक एक खोज से साहिल शर्मा के साथ।